हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, दोस्तों ये है इंदौर रेलवे स्टेशन। आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंदौर से ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करके एक ही दिन में कैसे वापस आएँ मात्र 280 रुपये के खर्चे में। तो आइए दोस्तों समय को बर्बाद करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी इस समय मैं इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर हूं। दोस्तों इंदौर रेलवे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर सरवटे बस अड्डा है, अब मैं वहां जा रहा हूं। पैदल आप 5 से 10 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। ये देखिए सामने वीडियो में दोस्तों, ये सरवटे बस अड्डा है। इंदौर रेलवे स्टेशन से पैदल मुझे यहाँ पर आने में लगभग 6 मिनट का समय लगा है। रेलवे स्टेशन के पास में ही ये बस अड्डा है। यहाँ से अब हम ओमकारेश्वर के लिए बस लेंगे। यहाँ से आपको ओमकारेश्वर के लिए बस हर आधे आधे घंटे में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 नंबर से उज्जैन के लिए बस मिलेगी, और यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर से ओमकारेश्वर के लिए बस मिलेगी। 10 नंबर पर दोस्तों ओमकारेश्वर के लिए बस लगती है और यहीं से हमें बस मिलेगी। हर आधे आधे घंटे पर बस की सर्विस है ओमकारेश्वर के लिए। हमारी बस दोस्तों लग चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों यही बस ओमकारेश्वर जाएगी। मैं बस के अंदर बैठ गया हूं दोस्तों, बस थोड़ी देर में हमारी बस सरवटे बस अड्डे से निकल जाएगी ओमकारेश्वर के लिए। दोस्तों हमारी बस सरवटे बस अड्डे से निकल चुकी है ओमकारेश्वर के लिए। अभी दोस्तों सुबह के 5:30 बज रहे हैं, देखते हैं कि कितना समय लगता है हमें ओमकारेश्वर पहुँचने में। दोस्तों इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर होगी। बस वाले से मैंने पूछा कि कितना समय लगेगा हमें ओमकारेश्वर पहुंचने में, तो बस वाले ने बताया कि 2 से 2.5 घंटे का समय ज़रूर लगेगा। कोई नहीं दोस्तों, देखते हैं कि कितना समय लेती है बस। इस बस में दोस्तों मेरा 140 रुपये किराया लगा है इंदौर से ओमकारेश्वर तक का। दो घंटे का सफ़र दोस्तों बस में हमारा कट चुका है, बस थोड़ी देर में हम ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, दोस्तों हम ओमकारेश्वर बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। हमें बस वाले ने यहां पर 7:46 पर उतार दिया था। इंदौर से यहां पहुंचने में बस में हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का समय लगा है दोस्तों। बस स्टैंड से हम पैदल जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर तक। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर होगी या फिर उससे भी कम। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि कौन सा मंदिर कितनी दूरी पर है। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर आप पैदल 25 से 30 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। दोस्तों हम मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस स्टैंड से मंदिर तक पैदल हमें पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगा है। मंदिर में दोस्तों आप भीड़ देख सकते हो, आज सोमवार का दिन है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहां पर। आज सोमवार के दिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की, आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि कितनी भीड़ है यहाँ पर भक्तों की। मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद फूल मालाओं की दुकान आपको मंदिर परिसर के अंदर ही मिल जाएंगी। दोस्तों हम महादेव ओमकारेश्वर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में हमें दर्शन भी हो जाएंगे ओमकारेश्वर महाराज जी के। मंदिर के अंदर दोस्तों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना सख्त मना है, इसलिए मैं प्रमुख मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बना पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर लगी LED TV में आपको दर्शन जरूर करा दूँगा। दोस्तों आप कर लीजिए ओमकारेश्वर जी के दर्शन। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा, ऐसा करने से भगवान शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। ये देखिए मंदिर से बाहर का नज़ारा,
सामने आप देख रहे हैं वीडियो में, ये माँ नर्मदा नदी है। सामने आप ये पुल देख रहे हैं दोस्तों, इसी पुल से हम पैदल मंदिर तक आए थे। अभी क्या टाइम हो रहा है दोस्तों अभी टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में 12:05 हो रहे हैं और हमने अच्छे से ओमकारेश्वर महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से वापसी इंदौर जाएंगे। दोस्तों मैं ओमकारेश्वर बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब हम यहाँ से वापसी इंदौर जाएंगे। ओमकारेश्वर मंदिर से बस स्टैंड आने में मुझे पैदल दोस्तों 40 मिनट का समय लग गया है। यहाँ पर दोस्तों बस स्टैंड से टेम्पो भी आपको मिल जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर के लिए, जिनमें शेयरिंग में 20 रुपये किराया होता है। आप चाहें तो टेम्पो से भी पहुँच सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास और भी कई प्राचीन मंदिर हैं, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी मंदिर 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। 2-3 घंटे में आप यहां के सभी प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों में दर्शन आसानी से कर सकते हैं। बस की चिंता दोस्तों आप बिल्कुल मत कीजिएगा, यहां से आपको हर आधे घंटे पर इंदौर के लिए बस बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन हां, रात के 8 बजे से पहले आप ओमकारेश्वर बस स्टैंड पहुंच जाएं, क्योंकि रात के 8 बजे के बाद इंदौर के लिए बसें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों मैं इंदौर को जाने वाली बस में बैठ गया हूँ, बस थोड़ी देर में हमारी बस यहां से निकल जाएगी। बस में दोस्तों वही सेम किराया लगा है, 140 रुपये पर व्यक्ति इंदौर तक का। हमारी बस ओमकारेश्वर बस स्टैंड से निकल चुकी है इंदौर के लिए। दोस्तों वही समय लगेगा, लगभग 2 से 2.5 घंटा पहुंचने में। दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि यहाँ पर AC बस की भी सर्विस है इंदौर से ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से इंदौर तक की। लेकिन दोस्तों AC बस में 250 रुपये किराया है पर व्यक्ति। दोस्तों अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको सभी विशेष जानकारी दे दी है कि आप इंदौर से ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करके एक ही दिन में कैसे वापस जाएं, वो भी 280 रुपये के खर्चे में। कहां पर आपका कितना खर्चा हुआ है मैंने इस वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। इंदौर से ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक का 140 रुपये हमारा बस में खर्चा हुआ है। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से हम मंदिर पैदल गए और दर्शन किया, दर्शन करके पैदल ही हम बस स्टैंड आ गए। फिर ओमकारेश्वर से इंदौर तक का बस में 140 रुपये किराया लगा। टोटल दोस्तों 280 रुपये हमारे खर्च हुए हैं इंदौर से ओमकारेश्वर आने जाने में। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर मैं कुछ बताना भूल गया हूं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी मेरे बताए हुए तरीके से ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुँच सकें और दर्शन कर सकें। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।